नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार सेवन में हार्दिक स्वागत करता हूं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे सभी के सभी दोस्त सभी के सभी साथी हमारे प्यारे प्यारे हाँ तो जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चलो जल्दी से आ जाओ वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल राधे राधे राम राम काल कैसे हैं आप सभी दोस्त कैसे हैं आप सभी साथी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा फिर हम लोग सेशन को अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे हाँ शिवानी कौर संध्या कुमारी जी पी के मौर्या जी सभी लोग आ जाइए आप सभी लोग का वेलकम है डॉट ट्वेंटी फोर सेवन अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लें और अगर आपने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी दोस्त ठीक है चलिए देखो अगर आप लोग को मैं बता दूं आप लोग को पता है छह तारीख को छह दिसंबर को आप लोग के एस एस सी सी एच एस एल का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो जब एस एस सी सी एच एस एल का नोटिफिकेशन छह तारीख को आ रहा है तो क्यों सोच रहे हो क्यों परेशान हो तुरंत के तुरंत तैयारी में जुड़ जाओ मेरे दोस्तों वाई चार सौ इकसठ आपको ये कोड लगाना है हाँ और जुड़ जाना है इससे जिससे आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सको और देखो आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं अगर आप इस बैच से जुड़ते हो तो इससे फायदा आपका ही है इससे फायदा आपका कैसे मैं आपको बताऊं अगर आप इससे जुड़ोगे तो हम आपके साथ बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने के लिए जुड़ जाएंगे आपके ठीक है ना तो सभी लोग आ जाओ जुड़ जाओ बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो ठीक है, जिससे आप लोग का इस बार सिलेक्शन कोई भी ना रोक पाए आपके ठीक है हाँ चलिए तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं देखते रहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं कैसे हैं और हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करते रहेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फिर समझिएगा और जीडी, भाई साहब अब तो जीडी में भी पैंतालीस हजार प्लस वैकेंसीज हो गई हैं पैंतालीस हजार प्लस वैकेंसीज हो गई अब तो जुड़ जाओ बस कूपन कोड वही Y46 चलो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पांस बनेगा सभी दोस्त निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा जो भी ना जुड़ पाए हो जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जल्दी जल्दी बहुत सही सर महापैक में जुड़ेंगे उसका टाइम बता दीजिए बेटा महापैक में जुड़ोगे तो मेरी क्लास जो है वो रात में नौ बजे हुआ करेगी मेरी क्लास जो है वो रात में नौ बजे हुआ करेगी रात में नौ बजे मेरी क्लास हुआ करेगी जी बेटा रात में नौ बजे ठीक है ना हाँ रात नौ बजे आपको मेरी क्लास के साथ जुड़ना पड़ेगा चलिए ठीक है ना अब आ जाओ यहां पर देखो तीन से क्या बनाना है बीस को बनाना है तीन से क्या बनाना है बीस को बनाना है बताइए हाँ जी बताइए जल्दी से कि क्या रिस्पांस आएगा कि क्या रिस्पांस बनेगा जल्दी से निकालिए और बताइए चलो देखो यहाँ देखो ये है तीन आ, ये है तीन और ये है स्टार ये है तीन और ये है एक और ये है बीस क्या हम ऐसा कर सकते हैं तीन प्लस एक चार और इंटू पांच कर दे ठीक है अगर हम ऐसा करते तीन एक चार इंटू पांच कर दे बीस हो जाएगा यहाँ देखो छह प्लस एक सात हो जाएगा लेकिन सात से तो पचास बनेगा नहीं हाँ अब यहां पर फिर देखो क्या स्क्वायर करके जोड़ने से कोई बात बनेगी क्या स्क्वायर करके जोड़ने से कोई बात बनेगी मुझे नहीं लगता स्क्वायर करके जोड़ने से कोई बात बनने वाली है ठीक है ना हाँ जल्दी से निकाल करके बता दो आप सभी के सभी दोस्त यहाँ पर जो लोग अभी तक न जुड़ पाए हो जुड़ जाइए सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा फटाफट सारे के सारे दोस्त जुड़ जाइए यहां पर वही बताया था

चलो अच्छा ओके okay. अब आ जाओ हाँ शिवानी शीतल जीएस लाइक करो हाँ सब लोग लाइक करो यार चलो अच्छा सुनो आ जाओ बातें सुनो अच्छा बातें सब हो गई इधर देखो अब जैसे ये तीन है ठीक है अगर हम स्टार की जगह क्या कर दें माइनस कर दें तीन माइनस एक और इंटू दो तो कितना हो जाएगा दो गुणे दस बराबर कितना हो जाएगा बीस यहां देखो छ माइनस एक और गुणे दो तो छ माइनस एक कितना हो जाएगा पांच गुणे दस बराबर पचास यहां देखो दो माइनस छ गुणे सॉरी गुणे दस है मैंने हर जगह बोल गुणे दस रहा हूं लिख रहा हूं गुणे दस तो हो जाएगा माइनस का कैसे माइनस गुणे दस। हुआ ना। यहां देखो, तीस हो जाएगा बताओ कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं किट्टू आज नहीं क्यों बेटा ऐसा नहीं है बेटा खुश रहो खुश रहो चलो अगला क्वेश्चन है सी ए पी हाँ बेटा जल्दी से निकालिए बताइए प्रियंका माइनस थर्टी विशाल हाँ बेटा हाँ खूब मत करो कुटाई कर देंगे हाँ हाँ ठीक है कुट्टू शिवानी किट्टू कुट्टू कह रहा हूँ चलो जल्दी से निकालो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से निकाल करके बता दो अगला क्वेश्चन क्या आएगा चलो टाइम अप हो चुका है ना टाइम अप हो चुका है ना इधर देखो सी से ए, ए से वाई वाई से डब्लू देखो 25 से 23 माइनस दो यहाँ भी माइनस दो यहाँ भी माइनस दो और W से माइनस दो कर देंगे तो W से माइनस दो अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 23 में से दो घटा दोगे तो 21 यानी U आ जाएगा U U और किसी में नहीं रहा अब अगला देखो A से X X से U मतलब 24 से 21 माइनस तीन माइनस तीन यहाँ भी तो 18 माइनस तीन कर दोगे पंद्रह यानी ओ आ जाएगा ये लो आपका आंसर यू ओ जेड ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यू ओ जेड ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा चलो अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का आपकी स्क्रीन पर दे दिया है मैंने ठीक है जी बेटा और जितने भी दोस्त हमारे आगे देखो बेटा अगर आप एस एस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको पता है आज एस एस में पैंतालीस हजार कर दी गई हैं बढ़ा दी गई हैं वैकेंसियां हाँ आरम्भ यस बेटा आरंभ बैच में मेरी क्लास सुन लो आरंभ बैच में आरंभ बैच में मेरी क्लास आरंभ बैच में मेरी जो लाइव क्लास होगी ऐप पर लाइव क्लास जो होगी किस पर ऐप पर वो आपकी होगी रोज रात दस बजे कब होगी रोज रात सॉरी रोज रात नौ बजे रोज रात नौ बजे मेरी क्लास हुआ करेगी आरंभ बैच में सुन लो तो जाकर उस आरंभ बैच से जुड़ जाओ कुपन कोड क्या यूज करिएगा मेरे दोस्तों कूपन कोड यूज करना आरंभ बैच से अच्छा है ये महापैक ले लो इस महापैक में ही आरंभ बैच इंक्लूडेड है इस महापैक में आरंभ बैच इंक्लूडेड है ठीक है बेटा चलो यहां आ जाओ फिफ्टी नाइन सिक्सटी एट सेवेंटी एट एट्टी नाइन एक सौ एक और अगला यहाँ देखो तो 59 से 68, 68, 78, 78, 69, 89, 89 सेवेंटी से ये तो अगला देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 में से 8 गया एक और 6 में से 5 गया 11 यहाँ देखो 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 6 गया 1 10 यहाँ देखो तो 78 9 में से 8 गया एक और ये 11 यहाँ देखो 11 में से 9 गया दो देखो ना 11 में से ये हो गया तो ये हो गया नौ में से आठ गया एक उन्नीस ये देखो बारह तो 11 10 ये 10 हो गया फिर उसके बाद फिर 11 आया अब 89 से करोगे तो 12 तो अब अगला क्या आएगा बताओ जी 114 बता रहे हैं सभी लोग बताओ क्या ये सीधे सीधे बनाना सही है फिफ्टी नाइन ग्यारह कैसे आ जाएगा एक सेकेंड रुक जाओ ये देखो फिफ्टी नाइन आठ और एक नौ है ये नौ दस ग्यारह बारह अब यहां तेरह जोड़ दो तो तीन और एक चार और ये रहा एक सौ चौदह सही है मतलब यहां पर नौ दस ग्यारह बारह ऐसे बढ़ता 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 हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा एक सौ तेरह तो देखो नौ दस ग्यारह बारह तेरह कर देंगे तो एक सौ चौदह आपका आंसर बन के आ जाएगा चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसमें से आपको अलग वाला पहचान कर छाट कर बताना है क्या आएगा डबल डिफरेंस की जरूरत नहीं है बेटा हाँ हाँ बिल्कुल सही राजेश मीना जी चलो अगला क्वेश्चन टाइम अप होने वाला है इसमें से कौन सा वाला डिफरेंट होगा ऑड होगा अलग होगा आपको निकाल करके सेलेक्ट करके बताना है मेरे दोस्तों जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा <coughs> चलो यहां देखो चार दुनी आठ छह दुनी बारह आठ दुनी सोलह बारह दुना चौबीस पांच दुनी दस सात दुनी चौदह दस दुना बीस चौदह अब ये नहीं है देखो बाकी सब में डबल डबल हो रहा था लेकिन डी वाले में डबल नहीं हो रहा था डी वाले में डबल नहीं हो रहा था अगला क्वेश्चन डायरेक्शन और डिस्टेंस का दिशा और दूरी सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर बनेगा मेरे सेरो और जल्दी जल्दी भैया आप जी की तैयारी में जुट जाओ जिनने फॉर्म ना भरा हो भर दो जाकर क्योंकि अब फॉर्म भरने की अभी जो डेट है चार दिन आपके पास है अभी फॉर्म भरने के लिए चार दिन फॉर्म भरने के लिए अभी हैं आपके पास समझ रहे हैं आप लोग जी चलिए देखिए हाँ, बोला है एक कोरिया डिलीवरी पुरुष छ किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है छह किलोमीटर कहा गया साउथ में पश्चिम की ओर मुड़ता है और दो किलोमीटर चलता है पश्चिम की ओर मुड़ता है और दो किलोमीटर चलता है साइकिल चलाता है फिर अपने दाई ओर मुड़ता है छह किलोमीटर साइकिल चलाता है फिर दाई ओर मुड़ता है छह किलोमीटर साइकिल चलाता है फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और आठ किलोमीटर चलाता है फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है आठ किलोमीटर चलाता है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु के स्थान के संबंध में कहा है प्रारंभिक बिंदु कहां है ये देखो यहां <coughs> यानी ये पूछ रहा है देखो अगर हम लोग बात करें तो ये वाला कितना है दो और ये वाला कितना है आपका ये वाला कितना है तो देखो ये छह चला गया ठीक है अब देखो ध्यान से ये वाला आठ और ये वाला दो ये वाला आठ और ये वाला दो तो आठ और दो कितना हो जाएगा दस तो ये टोटल दस हो जाएगा दस ठीक है ये दस हो गया टोटल और ये वाला चौदह तो दस का स्क्वायर और प्लस ये तो कुछ तो अलग हो रहा है ना एक डिलीवरी पुरुष छह किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है अगर ये छ है तो फिर रुक जाओ एक कोई पुरुष है छ किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है दो किलोमीटर साइकिल चलाता है हाँ फिर अपने दाएं मुड़ता है और छह किलोमीटर साइकिल चलाता है फिर बाएं मुड़ता है और कितना साइकिल चलाता है आठ किलोमीटर साइकिल चलाता है ना ठीक है अब स्टार्टिंग पॉइंट से ओहो, यही मैं कि कुछ तो अलग हो रहा है यहां से यहाँ की दूरी तो देखो ये वाली आठ और ये वाली दो तो, हो दो तो टोटल कितना हो जाएगा दस. हो दो टोटल कितना हो जाएगा दस किलोमीटर अब स्टार्टिंग पॉइंट से देखो इसको दैट इज वेस्ट दस किलोमीटर वेस्ट दस किलोमीटर वेस्ट आज हो क्या गया हाँ दस किलोमीटर वेस्ट हाँ प्रतीक जायसवाल बिल्कुल रिकॉर्डेड है हाँ वेस्ट में चला गया दस किलोमीटर आशुतोष हाँ जी सर दस किलोमीटर वेस्ट ऑप्शन एक भी दिख नहीं रहा है सर ओहो हाँ अच्छा वो कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया क्वेश्चन तो ए ऑप्शन था दस किलोमीटर वेस्ट बी ऑप्शन था सिक्स किलोमीटर वेस्ट सी ऑप्शन था दस किलोमीटर ईस्ट और डी ऑप्शन था छह किलोमीटर ईस्ट ये रहा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है निकालिए और बताइए समय हेड वन सिक्सटीनो में निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा हम्म ए श्योर चलो देखते हैं यहां पर चलो यहां पर देखो और समझो यहां देखो बोला है ऑल मैच बॉक्सेस आर लाइटर हाँ तो ऑल मैच बॉक्स यानी माचिस जो होती है ऑल माचिस या ऑल मैच बॉक्स आर लाइटर और सम फायर आर मैच बॉक्स सम फायर सम फायर आर मैच बॉक्स ठीक है चलो पहला बोला है आपसे नो लाइटर इज फायर तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ऑल फायर आर लाइटर ऑल फायर आर लाइटर भी गलत है दोनों गलत हो गए तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा ना तो पहला और ना ही दूसरा सत्य है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड सभी लोग लाइक कर दो सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा ये कट रहा है रुक जाओ इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं जिससे आप लोग का ये कटे नहीं अब देखो आने लगा चलो इसे देखो पलटो यहां पर इसे देखो यहां पर पलटो इसे पलट दो इसे पलट दो तो क्या होगा ध्यान से देखो इसे जैसे ही पलटोगे तो देखो पहली चीज तो जो ये लाइन है ये लाइन ऐसे बनने लगेगी ऐसे ठीक है जिस साइड से मैंने बनाई है ऐसे इसमें भी है इन तीन में है अब देखो जो ये काला ये जो ये सफेद पोर्सन है जब इसे ऐसे नीचे लाओगे तो ये सफेद पोर्सन ऊपर आएगा देखो इसमें आ रहा है इस वाले में तो गड़बड़ होगा क्योंकि काला वाला नीचे कर दिया ये सफेद पोर्सन इसमें इसमें काला ऊपर हो गया इसलिए ये भी काट दो आपका आंसर बी वाला सही है आपका एंसर बी वाला सत्य है क्या सही है मेरे दोस्तों बी वाला बिल्कुल सही है चलो अगला क्वेश्चन धारा अगर एम्पियर करंट अगर एम्पियर से मीजर क्या आता जल्दी से निकाल के बताओ कौन सा वाला सिमिलर है एनॉलॉगी कौन सा वाला सिमिलर है एनालॉगी का क्वेश्चन है जल्दी से निकाल करके बता दो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा <laughs> टॉपिक वाइज बेटा एक तारीख से एक तारीख से यह क्लास टॉपिक वाइज चलना शुरू हो जाएगी एक तारीख से पूरी प्लेलिस्ट नई बन जाएगी एक तारीख से सब कुछ नया होगा एक तारीख से सब कुछ नया होने वाला है इसके लिए समझ रहे हैं ना जी मेरे दोस्तों चलो यहाँ जो, यहां आ जाओ यहां बोला है धारा एम्पियर तो जो करंट होता है वो किसमें धारा जो होती है यानी जो करंट होता है वो किसमें मापा जाता है वो एम्पियर में, में मापा जाता है वो एम्पियर में मापा जाता है वो किसमें एम्पियर में मापा जाता है वो तो सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं हाँ तो वायु क्या किलोग्राम में कतई नहीं कार्य जूल में हाँ, एक बार को ये लग सकता है दबाव गति में तापमान मीटर में नहीं तो एयर जो है सॉरी वर्क जो है वो किसमें जूल में अगला क्वेश्चन चौदह अगर 16 से रिलेट कर रहा है चौदह अगर सोलह से रिलेट कर रहा है जल्दी से निकाल करके बताओ हाँ किट्टू जल्दी जल्दी बताओ निधि बेटा जल्दी जल्दी बताओ सभी दोस्त निकालिए 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 बताइए हाँ बेटा जल्दी से ममता एस एस सी हाँ जल्दी से प्रिया निक्की सूरज हाँ, मिस, पैसिनेट हाँ जी अगला जल्दी से बताओ किट्टू आयुष सिंह शिवम या सिवरन क्या नाम है चलिए देखिए यहां पर आ जाइए चौदह में दो जोड़ देंगे सोलह तो बाईस में दो जोड़ दें तो कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा देख लो चौबीस हो जाएगा ना चलो अगला क्वेश्चन वहां आपकी स्क्रीन पर ही रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा निकालिए और बताइए ए आर टी आर्ट का बी एस यू तो एम आर वी किससे रिलेट करेगा चलो जल्दी से निकालो चलो देखो टाइम अप हो चुका है ना, तो ए आर और टी को बोला है बी एस यू बी एस यू तो एम आर वी एम आर वी क्या बोलेगा तो ए से बी आर से एस टी से यू एम से एन आर से एस वी से डब्ल्यू एनएसडब्ल्यू एन एस डब्ल्यू चले अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनिए जो अलग वाला है उसे चुनकर उसे सेलेक्ट करके बताओ क्या आंसर बनेगा जल्दी से टायर <coughs> टायर है आ, कार है टायर है कार साइकिल है और ट्रक है तो देखो अगर हम लोग यहां बोले तो टायर सी अलग हो गया टायर, टायर टाइम अप हो चुका है क्योंकि देखो टायर आ, ये सब तो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए लेकिन टायर तो इनमें से अलग चीज हो गई ठीक है चलो अगला निकालो इसको बताओ जल्दी से <coughs> जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पांस बनेगा जल्दी 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 से बताइए डी चलो देखते हैं यहां देखो क्या हम ऐसा कह सकते हैं आप बताना जैसे ये दस है तो दस में एक बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा ग्यारह ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस चौदह और एक बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा पंद्रह पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस बारह और प्लस एक तो तेरह का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन सिक्सटी सोलह और प्लस एक बराबर सत्रह सत्रह का स्क्वायर टू एटी नाइन है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बन कौन सा वाला अलग है कौन सा वाला डिफरेंट है समझ गए हाँ जी नेक्स्ट का स्क्वायर हो रहा है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अरविंद सिंह डी आंसर बिल्कुल सही था अमन सही था शिवम टिकेश्वर पीयूष जहां हाँ जी के टू जल्दी जल्दी निकालो बहुत से अब यहाँ जाओ टाइम अप हो चुका है ना आर से टी अठारह से बीस बीस से बाईस और बाईस से चौबीस चार से छह और तीन नौ यहाँ प्लस दो प्लस तीन बारह से चौदह चौदह से सोलह सोलह से अठारह सात नौ दो ग्यारह ग्यारह और दो तेरह तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी क्योंकि बाकी नहीं है एक सेकेंड बाकी सब में ऑप्शन सी है क्योंकि बाकी सब में प्लस दो प्लस दो प्लस दो चल रहा है लेकिन इस वाले में प्लस दो प्लस तीन और प्लस दो चल रहा है इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा ठीक है मेरे दोस्तों चलो बहुत से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है निकाल करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा जल्दी से सभी दोस्त निकाल करके बताएंगे चलो यहां जो यहां पर बोला शब्द कोश के क्रम में देखो सबसे पहला अक्षर जे है हमें नहीं पता ओ आई यू यू आई ओ आई यू यू आई ऐसा चल रहा है तो अब देखो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा आई आए। सबसे पहले यहाँ आई और आई आई के बाद एन एन जी 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 एल एल तक कॉमन है उसके बाद यहाँ ई है मतलब चार नंबर पहले आएगा उसके बाद तीन नंबर आएगा चार और तीन ना न, यही है देखो क्योंकि ये U है अब हम आते हैं U और O में तो सबसे पहले O आएगा तो इसका मतलब चार तीन और एक चार सौ इकतीस ये लो किसी ऑप्शन में अवेलेबल है नहीं है चार इकतीस ऐसे बन गया अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर फिफ्टीन नंबर जी जल्दी से निकाल करके बता दो इसका क्या आंसर आएगा फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया है मैंने मेरे शेरों हाँ जी हाँ, बिल्कुल निधि एस एस सी के वैकेंसी बढ़ के पैंतालीस हजार से भी ज्यादा हो चुकी है और याद करो जब फॉर्म आया था तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी मैं उस वीडियो को क्लिप कर को काटूंगा और फिर बताता हूं आप लोग को चलो यहाँ पर आ जाओ देखो ग्यारह है तेरह है सोलह है अठारह है इक्कीस है तो अगला क्या आएगा ग्यारह से तेरह तेरह और तीन सोलह सोलह और दो अट्ठारह अट्ठारह और तीन इक्कीस इक्कीस और दो तेईस इक्कीस और दो तेईस ठीक है चलो अगला निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा लेटर सीरीज़ है अगला क्वेश्चन बेटा अब एस एस जीडी में वैकेंसी बढ़ चुकी है अब एस एस जीडी की तैयारी में जुट जाओ लेट मत करो देखो जब हम एस एस जीडी की बात करते हैं फॉर्म की जो लास्ट डेट है, है वो तीस नवंबर है ठीक है तीस नवंबर है अब जो वैकेंसी है जो वैकेंसी है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड से भी ज्यादा हो चुकी है ठीक है तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है मेरे दोस्तों ना तो आप महापैक से जुड़ जाओ बस कूपन कोड का यूज कर लेना कूपन कोड यूज कर लेना क्या वाई चार सौ इकसठ और इस महापैक से जुड़ जाओ बेटा क्योंकि इसमें लाइव क्लास टेस्ट सीरीज ई बुक सब कुछ मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम समझ गए विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको ये सारी चीज मिल जाएगी देखो नौ से दस दस से ग्यारह ग्यारह से बारह बारह से तेरह यानी एम तेरह से पंद्रह जोड़ा, से से सत्रह दो जोड़ा सत्रह से उन्नीस दो जोड़ा उन्नीस और दो इक्कीस यानी एम यू ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एम यू ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन निकालो आ, जल्दी से निकालो रैंकिंग का प्रश्न है जल्दी से निकालो रैंकिंग का क्वेश्चन है निकाल करके बता दो इसका क्या आंसर आएगा यस yes, वीरेंद्र पाल जी छह दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा और इस बात की भी श्योरिटी के इस बार पैटर्न चेंज होगा होगा और होगा जल्दी से निकालिए अब क्वेश्चन पढ़ो बोला है लड़कों की पंक्ति में पुनीत बाएं से तैतीसवें स्थान पर है पुनीत बाएं से तैतीसवें स्थान पर है और अंकित दाएं से पच्चीसवें स्थान पर है और अंकित जो है वो दाएं से पच्चीसवें स्थान पर उनके स्थानों को बदलने के पश्चात पुनीत का स्थान बाएं से पैंतीसवां हो जाता है पुनीत का स्थान बाएं से पैंतालीसवां हो जाता है ठीक है आपको बताना पंक्ति में कितने लड़के हैं देखो याद करो सबसे सिंपल तरीका अब देखो पुनीत यहां आ चुका है तो जो ये अमित है ना अमित 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 अंकित जो ये अंकित है इसका जो ये दाएं से स्थान था अब अब वहां पुनीत 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 आ चुका इसका मतलब यहां यहां पर देखो अब यहां पुनीत आया तो पुनीत का स्थान बाएं से 45 हो गया और दाएं से पुनीत का स्थान कितना हो गया 25 तो दोनों स्थान पुनीत का ही हो गया और जब एक ही पर्सन का प्लेस दोनों तरफ से चेंज होता है तो, तो टोटल कैसे निकलता है दोनों को जोड़कर माइनस एक कर दो तो 45 और प्लस 25 और माइनस एक टोटल पांच पांच दस का जीरो फिर एक चार चाहते छह सत्तर माइनस एक कर दोगे सत्तर माइनस एक कर दोगे तो ये उनहत्तर सिक्सटी नाइन आपका आंसर आ जाएगा सिक्सटी नाइन आपका आंसर आ जाएगा सिक्सटी नाइन आपका आंसर आ जाएगा देख लो आपके सामने आ गया है सिक्सटी नाइन आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से निकाल करके बताइए निकालिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाइए अठारह नंबर आपसे बोला है कि वो कौन सा शब्द है जिसे हम प्रयोग करके नहीं बना सकते वो कौन सा शब्द है जिसे हम प्रयोग करके नहीं बना सकते बताइए जल्दी से तो जल्दी से वो कौन सा शब्द है जिसे हम प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं जल्दी से निकालो जल्दी से निकालो और बताओ बी श्योर sure. yeah. चलो देखो हार्ट एच yeah. E E A -R T, T R E A दोबारा T नहीं है तो आपका आंसर अगेंस्ट सी आज मुझे लगता है कि ए कैसे बनेगा अच्छा दो बार टी है क्या टी टी अच्छा हाँ ये भी नहीं बनेगा ये भी ई डी टी ए, ओके, ओके इस पूरे शब्द में आई नहीं है इस पूरे शब्द में आई नहीं है मेरे दोस्तों इसलिए आपका आंसर बनेगा बी वाला ठीक है चलो अगला आई नहीं था पूरे के पूरे शब्द में इसलिए ऐसा था जी बिल्कुल बिल्कुल 22 साल के हो बिल्कुल एस एस सी सी एच एस एल का फॉर्म आप भरने के लिए एलिजिबल हो चले टाइम अप होने से पहले जीडी का फॉर्म भी आप लोग भर सकते हो 22 साल वालों अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा है आप फॉर्म भर सकते हैं चलो यहां जाओ टफ कहा है टफ देखो टफ यहां है कहीं और है नहीं है कैन पता नहीं बुक इजी कैन इजी इन दोनों में टफ कॉमन है टफ कॉमन मतलब तो मुझे नहीं लगता कुछ कॉमन है तो लो टफ का क्या आ गया का ठीक है एफ यू आ गया चलो जल्दी से निकालो यहां पर देखो आपसे क्या बोला है सिंबल चेंज करना है बीसवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है निकाल करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा जीडी में बेटा आपकी अगर एक छब्बीस साल जनरल कैटेगरी अदर कैटेगरी को जैसे ओबीसी को तीन साल तो वो उनतीस साल और पांच साल यानी अः पांच इकतीस साल तक ठीक है बेटा पैटर्न चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप तस, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो आपका फायदा ही होता है पैटर्न चेंज होने पे माइनस का मतलब प्लस होता है प्लस का मतलब क्रॉस होता है क्रॉस का मतलब डिवाइड होता है और डिवाइड का मतलब माइनस होता है ऐसा दो प्लस बारह गुणे दस बटे पांच माइनस बारह तो पांच दुनी दस बारह दुना चौबीस प्लस बारह दुना चौबीस और माइनस बारह तो छब्बीस माइनस बारह कर देंगे तो कितना हो जाएगा चौदह आ जाएगा देखो ना छब्बीस माइनस बारह तो चौदह आ जाएगा चलो अगला क्वेश्चन निकालो इसमें से किस किस सिंबल को चेंज करें हाँ जी शिवानी जल्दी जल्दी निकालो युवराज हाँ जी पैटर्न चेंज से बेटा मैंने बताया आपके लिए फायदा होता है जब जब पैटर्न चेंज होता है तो तो पहली बार जब पेपर सेट किया आता है तो पेपर आसान आता है जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जल्दी से निकालो और बताओ सभी दोस्त बेटा आप देखो जीडी में इतनी बंपर भर्तियां हो चुकी हैं तो आप लोग का भी तो मोटिव होना चाहिए ना कि आपको सिलेक्शन लेना है जी आपका भी तो मोटिव होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है और जब आपको सिलेक्शन लेना है भैया तो आप लोग तैयारी में जुट जाओ तैयारी में जुटना है तो महापैक से जुटना है कूपन कोड ये रहा आपका आपके सामने कूपन कोड आपका सामने है वाई चार सौ इकसठ लगाकर जुड़ना है और बेहतरीन तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको ऐसा कर लेना है कि इस पैंतालीस हजार अभी तक तो चौबीस हजार कुछ थी अब तो पैंतालीस हजार हो गई देखो मैंने डे दे वन पे बोला था जब फॉर्म आया था कि भैया आपकी वैकेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी और देखो वही हुआ है आपकी वैकेंसी इनक्रीज हो चुकी है मेरे शेरों देखो अब ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होगी वो समझो पहले अप्रोच करने से ये देखो कि लाना कितना है बारह लाना है अब अच्छा मुझे ये बताओ कहां पर आप भाग रख सकते हो जैसे यहाँ एक बटे चौदह लिखा है तो क्या एक बटे चौदह हल होगा नहीं होगा इससे एक बात पता चल रही कि चौदह की जगह यहां अगर आप भाग लगाओ देखो भाग यहां भी नहीं हल होता

या डिवाइड और प्लस तो अब चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे काम बनेगा यहाँ पर जी बताइए तो अब अगर हम लोग डिवाइड को पहले चेंज करें करेंगे चौदह गुणे तीस बटे बीस दो सत्ते चौदह सातियां इक्कीस और माइनस दस तो एक प्लस सातियां इक्कीस और माइनस दस इक्कीस तो तो बाईस बाईस माइनस दस बराबर कितना आ जाएगा बारह बिल्कुल सही जवाब आ गया ऑप्शन नंबर डी बन गया है ऑप्शन नंबर डी बन गया है क्यों क्योंकि देखो हमें जो है ना ये दिक्कत थी कि ये वाला डिवाइड किसी काम का नहीं है तो हमें डिवाइड ही सेट करना था और वो हमने कर लिया है ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट निकालिए तो जल्दी से बताइए आठ दो और तीन जल्दी से निकालो टाइम अप होने से पहले में आती है सर टाइपिंग हाँ बेटा सी एच में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट की स्पीड मेंटेन करनी होगी और हिंदी में थर्टी वर्ड पर मिनट की स्पीड मेंटेन करनी होगी चलो यहां जाओ आठ माइनस दो के बाद कितना आ गया छ छ बटे दो कर देंगे कितना आ जाएगा तीन ऐसे चौदह माइनस अठारह कितना हो गया चार और बटे दो कर दोगे देखो दो यहाँ पर सोलह बटे, तो बटे दो कर देंगे कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा तो सेम ऐसे यहाँ आ जाएगा चौदह माइनस दस बराबर कितना आ जाएगा चार बटे दो कर देंगे अगेन कितना आ जाएगा दो आ जाएगा ना कि माइनस दो माइनस दो तब आता जब यहाँ पर दस माइनस चौदह होता तो आपका आंसर दो आएगा ठीक है कितना आ जाएगा मेरे सेरो दो। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा चलो यहां देखो एल से एम एम से एन एन से ओ से पी आएगा यहां भी नहीं है यहां भी नहीं पी और पी O से पी पी से क्यू क्यू से आर आर से एस आएगा ऐसी तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी चलो ट्वेंटी फोर नंबर निकालो नंबर का प्रश्न है टाइम अप होने से पहले आंसर निकाल दो और भाई साहब अब पैंतालीस हजार वैकेंसी दस जनवरी को एग्जाम 29 तारीख को नया बैच एसएससी जीडी का प्रारंभ होने जा रहा है तो भाई साहब जरूर जुड़िए आप सभी लोग ठीक है जी चलो यहां देखो दस से बारह बारह से चौदह चौदह सोलह सोलह से अठारह अठारह से बीस ठीक है चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एच डब्ल्यू ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा तो इस तरीके से जो 25 क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आए थे वो हमने कवर की है तो आप सभी लोग इस आरंभ बैच से जरूर जुड़े अगर इन सब बैच देखो बेटा इस आरंभ बैच में अगर आप इस महापैक से जुड़ते हो तो आरंभ बैच इसी के अंदर है आरंभ बैच इसी के अंदर है और इस आरंभ बैच में क्लास रोज रात नौ बजे शुरू होगी लाइव कब उन्तीस तारीख से उनतीस से बेटा आज मौका है जाके इस महापैक से जुड़ जाओ और बस कूपन कोड क्या लगा लीजिएगा वाई चार सौ इकसठ और बेहतरीन तरीके से इस तैयारी के लिए जुट जाइए ठीक है और अगर आप एस एस की पैंतालीस प्लस वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं इतने पद हो चुके हैं अब आप लोग के बस आपको Y46, यही कोड लगाकर इस पैक से जुड़ जाना है और ऐप के क्वाइंस इस्तेमाल कर लोगे तो आपके और पैसे बच जाएंगे लेकिन एक बात का ध्यान रखना इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ई बुक भी और रिकॉर्डेड क्लास जो पुरानी हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको और दे देंगे

तो चूंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी है ये वाली ई बुक भी है हाँ ये वाला लाइव बैच भी है ये वाला बैच और ये सब कुछ इसके अंदर है तो जब कोड लगाओगे और ऐप के कॉइन से खरीदोगे तो मात्र इक्कीस सौ पचास रुपए में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा हाँ जी ठीक है ना आई बात समझ में तो चलो फिर आज के लिए तय रखते हैं आप लोग को कहो तो मैं ऐप से बता देता हूं कैसे देखो

इस पर जाओ बाय ना पे क्लिक कर दो हाँ और यहाँ पर सिंपली आप मेरा कोड लगा दीजिए वाई चार सौ इकसठ वाई और अप्लाई कर दो देखो इतना दिखाई दे रहा है ना बस ऐप के क्वाइंस और इस्तेमाल कर लेना आपको समझ आ जाएगा कि आप पैसे बचा सकते हो ठीक है ऑल कोर्सेज एस एस और एस एस सी सी एच एस एल ये रहा सी एच एस एल ये महापैक इसमें आरम्भ बैच और मेरा स्पेशल बैच भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा बस जाना है बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ सिंपली आपको मेरा आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको चीजें अच्छी मिल जाती हैं ठीक है मेरे दोस्तों तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं होपफुली आप लोग को चीजें समझ आई होंगी अच्छा लगा होगा मेरा बताना तो मिलते हैं रात दस बजे वाली क्लास में और हाँ एक तारीख से ठीक है एक तारीख से इसको हम टॉपिक वाइज में कन्वर्ट कर लेंगे थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर